हेलो एवरीवन, वेलकम। आज एक से दो साल के बच्चे के लिए कैप बनानी है, उसके लिए पुराने टी शर्ट का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले बॉर्डर को कट करते हुए अलग कर दें। टी शर्ट का फैब्रिक आपको पता है स्ट्रेचेबल होता है। एक स्ट्रेट लाइन इस तरफ खींची और इस पे 15 इंचेस पे मार्क किया। इस तरफ को भी 15 इंचेस लेना है और यहाँ से भी 15 इंचेस लेते हुए मार्क कर दें। सभी मार्क्स को ज्वाइन करते हुए लाइंस ड्रॉ कर दें। तो सब तरफ 15 इंचेस लिया। एक पीस हमने कट करना है, मींस हमें एक कपड़े की ज़रूरत है जो कि 15 इंचेस बाय 15 इंचेस का है। बस इतना ही पीस हम यूज़ करने वाले हैं। इसको 4 फोल्ड करना है। एक बार सेंटर से फोल्ड किया और एक बार फिर से फोल्ड कर दिया, तो ऐसे 4 लेयर्स इसकी हो गई हैं। इस एंड से रखा 7.5 इंचेस है, तो ऐसे ही 7.5 इंचेस सब तरफ इसको राउंड राउंड करते हुए मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद इस पे कट कर दें। एक सर्कल आपको मिलेगा कट करने पे। इस सर्कल के एंड्स पे रफ स्टिच करना है, तो उसके लिए नीडल और थ्रेड लिया है। थ्रेड डबल करते हुए नीडल में डाला है और उसके एक एंड पे नोट कर दी है। पूरे में रफ स्टिच कर दें। रफ स्टिच करने के बाद इसके थ्रेड्स को मैं दोनों तरफ से खींच रही हूँ। वलों को सब तरफ बराबर कर दें। जिस बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ उसके सर की गोलाई 14 इंच है, तो उसका आधा यहाँ पे लेना है। मीन 7 इंच हमने ऐसे इसको रेडी रखते हुए उसके बाद नोट कर देनी है, ताकि जहाँ पे हमने वल सेट किए हैं यहाँ से आगे पीछे ना हो और इसकी चौड़ाई कम या ज़्यादा ना हो। इसके नीचे यहाँ कपड़े की स्ट्रिप अटैच करनी है। उसके लिए सीधे कपड़े का यह पीस लिया है। जैसे इसकी चौड़ाई 7 इंच है, इसका डबल लेना है 14 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए। तो ये 15 इंचेस लेंथ ली है कपड़े की और 4 इंचेस विड्थ ली है। कपड़े की सीधी साइड है, इसको अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर पूरे पर सिलाई लगा दें। सिलाई लगाते समय आप चाहो तो नीचे न्यूज़पेपर का पीस भी रख सकते हो, क्योंकि टी शर्ट का फैब्रिक है इसको सिलने में प्रॉब्लम होती है। कैप की राइट साइड है, कपड़े की भी राइट साइड है। कपड़े को इसके अंदर डाल दें। डालने के बाद यहाँ पे सिलाई लगा दें पूरा राउंड में। अब मैंने नीचे पेपर रख लिया है। आप हर एक सिलाई को नीचे पेपर रखते हुए लगाएं, उससे कपड़ा कटेगा नहीं और इजीली सिलेगा। पूरे में सिलाई लगा दी। अब इस कपड़े को ऐसे निकालना है बाहर की तरफ और इसके एंड को फोल्ड करते हुए यहाँ इस पे लाते हुए सिलाई लगा देनी है। जो सिलाई पहले लगाई है उस सिलाई पे लाते हुए कपड़े को दोबारा से सिल देना है। ऐसे पूरे राउंड में सिलाई लगा दें। पूरा राउंड में सिल दिया है और ये कैप भी रेडी हो गई है। इस ट्रैप की विड्थ 1.2 इंच रेडी हुई है। इस पे बो लगानी है इसको डेकोरेट करने के लिए। उसके लिए 5 इंचेस बाय 3 इंचेस कपड़ा लिया है। कपड़े की सीधी साइड है, इसको फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई लगानी है। सेंटर से थोड़ा खुला छोड़ देंगे। सिलाई को बिल्कुल सेंटर में करते हुए अब इसके दोनों एंड्स पे भी सिलाई लगा दें। इसे पलटते हुए सीधा कर लें, अच्छे से कॉर्नर इसके निकाल लें। इस
तरह से इसमें छोटी छोटी गैदर्स इंसर्ट करते हुए नीडल और थ्रेड से एक बार एक स्टिच लगाएं, उसके बाद थ्रेड को राउंड राउंड घुमाते हुए इसकी बैक साइड पे 2-3 नोट कर दें। एक और कपड़े की स्ट्रिप ली है, 1.5 इंचेस विड्थ है, 3 इंचेस लेंथ है, इसको ऐसे फोल्ड करें उल्टी साइड अंदर की तरफ रखते हुए। फोल्ड करने के बाद इसे बो पे लपेटें और बो की जो बैक साइड है मीन्स रॉन्ग साइड है यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए इसको अंदर की तरफ फोल्ड करें और फिर नीडल और थ्रेड की हेल्प से इसको अच्छे से स्टिच कर दें। बो रेडी हो गई है, अब इसे कैप पे स्टिच कर दें। आप ऐसे कैप बनाएं और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए आप वो भी बता सकते हो। कैप इज़ रेडी टू वियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।